सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, अब उसके आगे के पार्ट को हम लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि हमारा जो सेल होता है उसका सबसे लार्जेस्ट साइज कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट साइज का सेल कौन सा होता है, और सबसे ज़्यादा मतलब कि लॉन्गेस्ट साइज का सेल कौन सा होता है। तो सेल के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे इसमें लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में, और तीसरा है जो वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम आपको अलग से थोड़ा डायग्राम के बेस पर आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे कि उसमें किन चीज़ों की हमें नीड पड़ती है, जो कि हम एग्जाम में आता है और हमें लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद हम दिन बात करेंगे कि जो हम लोगों का सेल मेम्ब्रेन, हमने यहाँ पर सीएम लिखा हुआ सेल मेम्ब्रेन, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट में वो कंपोज्ड होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर रखा है कि कौन से मतलब साइंटिस्ट आए थे, किन्होंने क्या क्या किया था। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जो सेल था उसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ये हम लोग जानते हैं। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था जो है साइंटिस्ट ने, न्यूक्लियस वो डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। और तीसरी बात थी हमारी सेल थ्योरी, लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि रॉबर्ट हुक को हम लोग क्या कहते हैं, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन जो डेड सेल था, डेड सेल को जो है रॉबर्ट हुक ने देखा, और लाइव सेल को देखा था किसने, उसको देखा था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप बनाते थे, वो लेंस मेकर थे, और वो अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप बनाते थे जिससे कि हम इजिली उन चीज़ों को देख पाते थे जो कि हम नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर पाते थे। और उसके बाद दोनों मतलब कि दोनों ने मिलकर ये बताया कि हाँ सेल्स होते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन हम इसलिए, अब आप सोच रहे हो कि हम रॉबर्ट मतलब रॉबर्ट ब्राउन को हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब रॉबर्ट हुक को क्यों कहते हैं कि वही सेल के मतलब उन्होंने ही सेल को फर्स्टली डिस्कवर किया था, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर तो नहीं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पर बात आती है दूसरे साइंटिस्ट की, तो रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस किसमें होता है, बताया कि न्यूक्लियस उन मतलब उन सेल टाइप ऑफ न्यूक्लियस में देखो दो टाइप के सेल होते हैं बेसिकली। उसमें देखो जो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अब जहाँ पर बात प्रॉपर न्यूक्लियस की है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सारे के सारे सेल ऑर्गेनलीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक माइटोकॉन्डिया और गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ, ये सब वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक में कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, तो उसमें एक भी सेल ऑर्गेनलीज नहीं होंगे। ये बात हुई उसके बारे में। लेकिन अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेल थ्योरी थी उसको दिया गया था स्केलन और स्वान, मतलब वन साइंटिस्ट वॉज जियोलॉजिस्ट एंड ए और बी साइंटिस्ट को लेते हैं, ए साइंटिस्ट वॉज जियोलॉजिस्ट एंड बी साइंटिस्ट वॉज बॉटनिस्ट। अब जो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि हर एक सेल में जो है मतलब हर एक प्लांट में सेल पाए जाते हैं, मतलब हर एक प्लांट की लाइफ सेल से स्टार्ट होती है। और उधर साइड जो हम लोगों के बॉटनिस्ट थे उन्होंने प्लांट में फाउंड किया, और इधर जो हम लोग के जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किस में फाउंड किया, एनिमल में। तो दोनों ने मिलकर इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हर एक लिविंग चीज सेल से बनी हुई होती है, और वही सेल डिवाइड करके ढेर सारे सेल को बना के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद बीच में आ गए कौन, रुडोल्फ विर्चौ, उन्होंने इस कहानी को पूरा एकदम क्लियर कर दिया कि हाँ, और जितनी भी नई सेल्स होती हैं जो आती हैं वो पुरानी सेल्स ही अराइज होकर आती हैं, ऐसे करके समथिंग लाइक दैट। एक सेल है, अब उन्होंने बता दिया विर्चौ सर ने कि ये जो एक सेल है वो थोड़ा उसकी कंडीशन ऐसे होगी, फिर उसको डिवाइड करके ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो सिंपल से ये बात यहाँ पर क्लियर हो गया, इसको रुडोल्फ विर्चौ ने किया। तो सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि हम लोगों की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल है। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है हमारी कौन सी, देखिए लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो लार्जेस्ट सेल जो होती है वो होती है फीमेल के एक पार्ट, बॉडी पार्ट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवा में पाया जाता है, कौन सा हमारा लार्जेस्ट सेल। लेकिन जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। अब देखिए माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसको हमने अच्छे से पढ़ रखा था मतलब लिविंग वर्ड चैप्टर में, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ये समथिंग मतलब उससे पूरा रिलेटेड है, किससे, प्लांट फीचर से, तो उसको हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पर उसका कोई मेजर रोल नहीं है। अब दूसरी बात आती है लिपिड्स।
लिपिड्स में हमारे आते हैं फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, और प्रोटीन्स में हमारे आते हैं कौन से अमीनो एसिड्स वगैरह आते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात की जाए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए मतलब फ्लूइड का जो नेचर होता है वो किन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से हम वर्ड फ्लूइड को उठाएंगे क्योंकि उसमें बात किसकी हो रही है, फ्लूइड की हो रही है। तो वो उसका नेचर किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, पहला है सिक्रीशन के लिए, दूसरा सेल को डिवाइड करने के लिए मीन सेल डिवीजन, तीसरा सेल की ग्रोथ करने के लिए कॉल्ड सेल ग्रोथ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर फंक्शन जो सेल के अंदर के जितने भी जंक्शन होंगे उनके अंदर पार्टिसिपेट करता है, फिर उसके बाद इंडोसाइटोसिस में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है अबाउट दैट कि फ्लूइड का नेचर बताते हैं, फ्लूइड का नेचर इन सभी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पांच चीज़ें होती हैं, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन। अब उसके बाद यहाँ पर है सीएम कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, इसका कंपोजिशन मतलब कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप, पहला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से कंपोज्ड होती है, दूसरा मेम्ब्रेन प्रोटीन से, तीसरा कार्ब से। तो इन तीनों चीज़ों से कंपोज्ड होती है, मतलब जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन तीनों चीज़ों से कंपोज्ड होती है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है इसकी साइज होती है 0.03 माइक्रोमीटर के अराउंड होती है, मतलब इसकी साइज बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है जिसको हम अपनी नेक डाई से विजिबल ही नहीं कर सकते। इसलिए साइंटिस्ट लोग जो जिन चीज़ों को हम नेक डाई से नहीं विजिबल कर सकते उनको माइक्रोस्कोप से विजिबल करते हैं। अब उनके बाद हमारे साइंटिस्ट थे कौन से, जो स्कैडन सोन थे उन्होंने अपना बात क्लियर कर दी। उसके बाद जेफ्री जेंसन, इन्होंने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। कौन, जेफ्री जेंसन, जे जे सर कॉल जेफ्री जेंसन, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा था। तो ये बात हुई इनके बारे में। उसके बाद अब ये जो सेल होते हैं इनका मेनली होता है, देखिए जो सेल होते हैं अब इनको बेस्ड ऑन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पर अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में ये कब पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में कब पाए जाते हैं, ये पूरी चीज़ हमारी आ जाती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर, जो कि दिया था किसने, थियोफ्रास्टस सर ने, मतलब अलेक्जेंडर सर ने सोचा था सबसे पहले, लेकिन उसको दिया किसने था, थियोफ्रास्टस, और क्लासीफाई किसने किया था, कैरोलस। देन हम इनको इसीलिए कहते हैं कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड लिनियस कैरोलस सर। उसके बाद अब बात आती है हमारे उन्होंने सारे लिविंग को मतलब बेसिकली हमारे क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासिफाई कर दिया था, आर एच विटेकर सर ने, उन्होंने फाइव किंगडम कर दिया था, एक तरफ प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो उन्होंने सबकी अलग अलग बात बताई और सबको बताया कि किन में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं, किन में प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल्स वगैरह में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल तो नहीं होती थी क्योंकि उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं। तो हम लोगों में यूकैरियोटिक ऑफ टाइप सेल प्रेजेंट होती है बिकॉज हमारे बॉडी में सारे के सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, हर एक न्यूक्लियस अगर है तो उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और सबके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं। अब उसके बाद आपको पता है विच लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप, मतलब प्रोटीन। देखिए यहाँ पर आपकी हमने बात की थी इंट्रा सेलुलर स्पेस के बारे में, तो ये हमारा जो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है तो ये हमारा आउटर पार्ट हो गया, ये इनर पार्ट हो गया, इन दोनों वे के बीच में जो होता है उसको हम सिंपल से कह देते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। अब देखिए इंट्रा सेलुलर, ये देखिए सब्सटेंस, अब सेल्स ढेर सारी हैं उनके बीच में जो सब्सटेंस है, जैसे कि उनके बीच में जो सब्सटेंस है, जैसे कि हम दो पेजेस को मतलब पेस्ट करते हैं तो उनके बीच में जो ग्लू लगाते हैं वो थोड़ा सा सब्सटेंस हमने अप्लाई किया, तो वही तरह हम लोग उसी सेम टाइप का हमारा सेल भी होता है, वही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस। सेल के बीच में जो सब्सटेंस लगाते हैं उनको इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस कहते हैं, और जो तीन चार सेल के आसपास जो गैप होता है उसे हम कह देते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस, और जो मतलब फॉर्मेशन करता है इंट्रा सेलुलर जंक्शन का उसको हम कह देते हैं कि वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉर फ्लूइड में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लूइड हमारा सेल डिवीजन में करता है, सेल ग्रोथ में करता है, सिक्रीशन में करता है, इंडोसाइटोसिस में करता है, और सेल ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर जंक्शन में करता है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने आज पढ़ी, मतलब ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट, जैसे कि साइज ऑफ सेल हो गया, लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तीन होती हैं, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिपिड और प्रोटीन के बाद आता है फ्लूइड,
नेचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर फाइव टाइप्स, उनके जो पार्ट थे वो भी मैंने बता दिया कि किन पांच चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन होता है उसका कॉम्पोजिशन थ्री पार्ट में कम्पोज किया गया है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब होता है लेयर के ऊपर लेयर, उसको बाइलेयर कहते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है, कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको जानना इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम ये चीज़ क्लियर कर लेंगे डायग्राम के बेस पर कि मतलब इसको हम कैसे मतलब कि बता सकते हैं और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। बेसिकली आपको ये पांचों पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।